नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिक वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे जिंक की डिफिशियंसी के बारे में। जिंक की डिफिशियंसी क्यों होती है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या क्या हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, कैसे हम उसको सप्लीमेंट रूप में हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो जिंक की डिफिशियंसी क्या होती है, जिंक जो होता है हमारे लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारे बॉडी के लिए ये कैसे ये हम वर्क करता है। जिंक जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रेंट होता है, ये एक ट्रेस एलिमेंट होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होता है। इंडिया के अंदर जो होते हैं 50% लोग जो होते हैं जिंक डेफिशिएंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिंक डेफिशिएंट के बारे में। तो अगर हमारी डाइट में ही जिंक जो है वो कम हो, या दूसरा जो कारण हो सकता है कि हमारा शरीर में जो खाना जो होता है वो पच नहीं रहा है, अंदर आंतों में कुछ सूजन हो गई है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से हमारा खाना जो है नहीं अच्छे से पच रहा है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके वजह से जीन्स में हमारे कुछ कमी है और हमारा जिंक जो है वो पार्शियली एब्जॉर्ब होता हो और जिंक की कमी देखने को मिलती हो। चौथा कारण ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में जब मदर जो है बेबी को फीड कराती है तो बहुत लंबे समय तक वो फीड कराती है, जिसकी वजह से बाद में जो है दूध के अंदर जिंक जो है वो कम मात्रा में या बिल्कुल मात्रा में नहीं होता है और बेबी को जो होता है वो पूरा डिपेंड होता है मिल्क पे, तो इसलिए बेबी के अंदर जिंक की जो है कमी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला लक्षण जो देखने को मिलता है, स्किन में एक्ने लाइक प्रॉब्लम, एक्जिमा, ईचिंग, पिंपल्स, ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके अलावा हेयर्स में एलोपेशिया जो है, बाल झड़ना, ये सारे लक्षण जो है जिंक की कमी की वजह से मिलते हैं। उसके अलावा नेल्स में और ऐसी अन्य समस्या देखने को मिलती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इन्फेक्शन जो है बहुत ईजिली जो होता है बाउंड हील नहीं होता है, इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर पकड़ लेता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, खांसी वगैरह जो होती है, ये और भी GIT रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि पेट में इन्फेक्शन जो है ये कॉमनली देखने को मिलता है। जिंक की कमी के अंदर देखते होंगे बच्चे के अंदर जो है, बच्चों को बहुत ज़्यादा जिंक की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो कोल्ड जो है, कफ वगैरह, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह जो है वो पकड़ लेता है और इजीली बच्चा जो है वो ठीक नहीं हो पाता है। उसके अलावा शरीर में भूख नहीं लगना, और उसके अलावा डिलेड मैच्योरेशन यानी कि प्योबर्टी में मेल और फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो डिलेड जो है, लेट जो है वो डेवलप होते हैं, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके हम क्या क्या जाँच करा सकते हैं। लैब रिपोर्ट में हम इसमें देख सकते हैं LH2DLGA रेशो हम देख सकते हैं, जिसमें हम पता लगा सकते हैं जिंक की कितनी डिफिशियंसी होती है। अब हम ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम जिंक की जो पूर्ति है वो डाइट में कर सकते हैं और सप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। डाइट कौन कौन से वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं जो जिंक की पूर्ति करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले फ्रूट्स में हम बात करते हैं तो अनार हो गया, पपीता हो गया, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं। उसके अलावा फल में हम बात करते हैं, वेजिटेरियन में हम बात करते हैं तो मशरूम हो गई और पालक हो गया, और जितने भी दालें, सीरियल्स होते हैं, होल ग्रेन्स जो होते हैं, इन सब में लगभग बराबर मात्रा में जो है जिंक प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट में तो रेड ऑर्गन मीट, पोर्क, ऑयस्टर वगैरह मीट्स जो हैं, इन सब में जिंक की जो है काफ़ी मात्रा होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट में हम क्या क्या डोज दे सकते हैं। एडल्ट मेल में हम 11 mg पर डे हम दे सकते हैं, और एडल्ट फीमेल में 9 mg पर डे हम दे सकते हैं, और चिल्ड्रेन में 8 mg तक हम पर डे जो है जिंक के हम सप्लीमेंट डोज हम दे सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।